साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में, जो कि एक वायरल डिजीज है। इसका हम आपको बहुत ही सस्ता और अच्छा ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, जिसको कि हर पशु मालिक, हर किसान और हर आदमी इसको उपयोग कर सकेगा, क्योंकि आपको ऐसा सस्ता ट्रीटमेंट बताने वाले हैं जिससे कि पशु भी ठीक होगा और आपकी आमदनी भी ज्यादा खर्च नहीं होगी। क्योंकि लंपी स्किन डिजीज का यदि आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारी दवाइयां, इंजेक्शन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई जो डोज में रहते हैं और उनका रेट भी बहुत ज्यादा होता है, जो कि एक आम आदमी इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता है। तो आज आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताने वाले हैं जिससे कि आप इसको लंपी स्किन डिजीज को घर पर ही ठीक कर लेंगे। देखिए, बात करते हैं हम लंपी स्किन डिजीज के, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और हम बात करते हैं यह बीमारी किन पशुओं में फैलती है, तो यह बीमारी ज्यादातर गोवंशी पशु केटल में फैलती है। गाय, बैल और उनके जो बछड़े रहते हैं उनमें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, और भैंस में भी कभी कभी दिखाई दे रही है। कुछ केसों में हमें यह भी मिल रहा है कि भैंस में भी हमें दिखाई देने लगी है। तो ये बीमारी गोवंशी पशुओं में ज्यादातर फैल रही है और उनको ही अपने प्रभाव में ले रही है। तो हम बात करते हैं इस बीमारी के कारण की। देखिए, इस बीमारी का मेन कारण है कैप्रीपॉक्स वायरस। कैप्रीपॉक्स वायरस के द्वारा यह बीमारी पशुओं में फैली है और ज्यादातर गोवंशी पशुओं में फैली है, तो इसके कारण यह बीमारी फैल रही है। यह वायरल डिजीज है जो कि मक्खियां, मच्छर, पशुओं के मलमूत्र के द्वारा फैल रही है और हवा के द्वारा भी फैल रही है, क्योंकि एक वायरल डिजीज है। इसका वायरस रहता है जिसके द्वारा ये पशुओं में आपस में संपर्क मारने से भी फैल जाती है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा फैल रही है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, तो इसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं इस बीमारी के बारे में जिसको हम LHD बोलते हैं। इसके लक्षण सर्वप्रथम जो पशु रहता है उसमें हमें सबसे ज्यादा बुखार देखने को मिलेगा। जब पशु स्टार्टिंग में इसकी चपेट में आता है तो उसमें हाई फीवर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फीवर हो जाएगा, 105 से ऊपर चला जाएगा और बहुत ज्यादातर पशुओं में फीवर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मेन सिम्टम्स हमें यह देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सिम्टम्स की, तो जो पशुओं का मुंह रहता है उससे हमें लार गिरती हुई दिखाई देगी और जो आंख और नाक है उनमें से हमें पानी टपकता हुआ दिखाएगा और आंख में से तो बहुत ही ज्यादा पानी टपकता हुआ दिखाई देगा, थोड़ी थोड़ी देर में गिरता रहेगा, ये सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगेगा। इसके बाद जो पशु रहता है वो कमजोर हो जाएगा, ये भी हमें देखने को मिलेगा। इस बीमारी में पशु दुर्बल होता जाएगा धीरे धीरे करके। जो पशु दुधारू है उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा, दूध देना बिल्कुल कम कर देगा, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पशु जो प्रेग्नेंट रहता है, गाभिन रहता है, उसका एबॉर्शन होने का डर रहता है और एबॉर्शन भी हो सकता है, यह भी समस्या हमें देखने को मिलती है। कुछ केसेस में हमें डायरिया, बहुत ज्यादातर डायरिया देखने को मिलता है, बहुत पतला दस्त देखने को मिलता है, यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी समस्याएं हो जाती है जो कि LHD में हमें देखने को मिलती है। और पशु धीरे धीरे करके बहुत सारे पशुओं की तो मृत्यु हो जाती है। यदि आप इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सही से डायग्नोस नहीं करते हैं, तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और अगले सिम्टम्स की हम बात करते हैं, पशुओं का जो शरीर रहता है उसके ऊपर नोडल्स बन जाते हैं, गोल गोल गठाने बन जाती है, पूरे शरीर पर गठाने बन जाती है और धीरे धीरे क्या रहती है, वो गठाने पकने लगती है और पकने के बाद फूट जाती है और फटने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घाव बन जाते हैं और पशु सड़ने लगता है, बहुत गंभीर समस्या होने लगती है। और भी बहुत सारी समस्याएं हमें ऐसे केस में देखने को मिलती है। ये जो नूडल्स बनते हैं ये बहुत दर्दनाक होते हैं, इनसे कभी कभी जो अपने ब्रिस्केट रीजन जो रहता है, ब्रिस्केट में सूजन भी आ जाता है, यह भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभी पशु लंगड़ाने लगता है, यह भी देखने को मिलता है। कुछ केसेस में हमें निमोनिया देखने को मिलते हैं, कई पशु खराब हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें लंपी स्किन डिजीज में देखने को मिलते हैं, LHD के केस में देखने को मिलते हैं। ऐसे केस हमें बहुत ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास दिन ब दिन फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारे पशु का ट्रीटमेंट बताइए, तो हमने आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो तैयार किया है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो इससे आप पशु को कई हद तक
कम खर्चे में कम पैसे में बिल्कुल ठीक कर लेंगे, ज्यादा आपको खर्चा भी नहीं लगेगा, हर आदमी इस ट्रीटमेंट को घर पे भी कर सकता है। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं ऐसे पशुओं को ट्रीटमेंट की। तो देखिए, आपको यदि एलएचडी का केस देखने को मिले, सर्वप्रथम उसमें बुखार रहेगा, आप पशुओं को हाथ से देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, गर्म दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम यदि आपको ऐसा केस देखने को मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, मेलोक्सिकेम पैरासिटामोल की जो बोलस आती है या निमोसुलाइड पैरासिटामोल की जो बोलस आती है, उन बोलस का प्रयोग करना है। 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम के हिसाब से लगातार 2 दिन तक देना है। ये मात्र 30-40 रुपए में आ जाती है। तो मेलोक्सिकेम पैरासिटामोल की बोलस का आपको प्रयोग करना है, इसके साथ में आपको एक एंटीबायोटिक बोलस का भी प्रयोग करना है। ओप्लॉक्सासिन फार्म की बहुत सारी दवाइयां मार्केट में आती है, आप ओप्लोकाइंड भी ले सकते हैं, ओप्लॉक्सासिन भी ले सकते हैं। आप 2 बोलस मेलोक्सी पेरा की एक टाइम दे और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक बोलस दे, एंटीबायोटिक ओप्लॉक्सासिन आपको बहुत सारी मिल जाएगी, तो यह भी सस्ती आती है। तो आप इन दोनों बोलस का प्रयोग मात्र 3 दिन तक कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग में पशुओं को बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। इसके बाद आपको पशुओं में यदि ये सिम्टम्स कम पड़ जाए तो आपको क्या करना है, पशुओं के जो शरीर रहता है उसको हमें नीम की जो पत्तियां रहती है उनको पानी में उबालना है, और उबालने के बाद हमें पशुओं को दिन में एक आध बार नहलाना है, यह काम भी हमें करना है। और 2-3 दिन तक हमें पशुओं को नीम जो रहता है उसकी पत्तियां भी खिलाते रहना चाहिए, यह भी इस बीमारी में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे पशुओं की डिवर्मिंग भी हो जाएगी और बेहतरीन रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप 2-3 दिन तक पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डिवर्मिंग कराने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि पशुओं के जो नूडल्स रहते हैं वो पक जाते हैं तो उसके फट जाते हैं, तो आप उस पर हल्दी का लेप बना ले और उन नूडल्स पे हल्दी का लेप लगाते रहिए, कुछ समय तक ये काम करते रहिए। इसके साथ में आपको जो पशु गाभिन नहीं है उनमें आप हल्दी जो रहती है उसको 10 से 15 ग्राम सुबह शाम खिलाते रहिए, इससे हमें 5 से 7 दिन तक खिलाना है। आप देखेंगे कि ऐसे पशु में इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करिए। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप उसमें हल्दी का प्रयोग कम करें, क्योंकि इससे एबॉर्शन होने का डर रहता है, हल्दी गर्म रहती है जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं। हल्दी का प्रयोग आप जो पशु गाभिन नहीं रहता है उनमें कर सकते हैं। यदि आपका पशु गाभिन है, आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया, गोली खिला दी, उसके बाद आपको हल्दी नहीं खिलाना है, उसकी जगह आपको जो टोफिकोर डबल प्लस स्प्रे आता है, जो नूडल्स पक के फूट जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों पर इस स्प्रे का प्रयोग करके देखिए, ये बहुत जल्दी ठीक कर देगा, मक्खियां भी नहीं बैठने देगा और ऐसे पशु को रिकवर भी कर लेगा। यह एक गंभीर बीमारी है, इससे निपटने के लिए आप यह ट्रीटमेंट करके देखिए। आप हल्दी का प्रयोग ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे केस में आपको पशु की इम्यूनिटी बढ़ानी रहती है तो आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, उसको टहलाते रहिए, दिन में कहीं जगह 2 से 4 किलोमीटर तक उसको पैदल चलाइए, इससे पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे पशुओं में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो पशु बीमार भी नहीं होगा और वायरस से भी बचा रहेगा। तो आप मात्र यह काम करके देखिए, आप देखेंगे कि एलएचडी से आप पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे, और ऐसे कई केसों हमने ठीक किए हैं और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।